मेरे तो बेटे को छुट्टी हो गई उनके स्कूल से, वो तो मेरा इंतजार कर रहा होगा। पहले मैं अपने बेटे को लेकर आता हूँ और फिर उसके बाद मैं दूसरा काम करता हूँ। बताया था कि हमारे पास इंपोर्टेड नहीं, आज मुझे सस्ती गाड़ी नहीं लेनी है।
मैंने अपने बेटे के लिए बहुत से पैसे जमा किए हैं, आज मुझे वो 5,000 वाली गाड़ी दो जो मैंने लेना था। मेरा बेटा बहुत खुश होगा जब वो ये गाड़ी लेगा, बहुत खुश होगा। मुझे उसकी उम्मीद को भी देखना और उसकी सोच को भी और उसके उसका ख्याल भी रखना। मैं अपने बेटे को जरूर गाड़ी दूंगा। ये भाई आपके 5,000 ये क्या आप ये मुझे दे रहे हैं? ये सारे चिल्लर हैं क्या? आज सारा दिन मैं इनको ही जिंदा रहूंगा? ये रख लीजिए, मैंने बहुत मुश्किल से जमा किए हैं, डबल डबल नौकरी की है मैंने, बहुत मुश्किल से जमा किए हैं, ये मैंने अपने बेटे के लिए रखी। आप क्या यार, सारा दिन आज मैं बस इसी तरह बैठा रहूंगा, इन्हीं को गिनता रहूंगा। शेरी आगे, मैंने देखो आपके लिए रिमोट कंट्रोल गाड़ी ली, आपने मुझे कहा था ना मुझे रिमोट कंट्रोल गाड़ी दो, मैंने ये ले ली। थैंक यू पापा। बेटा दूर नहीं जाना और धूप में भी नहीं खेलना, बीमार हो जाओगे। मेरे पास पास मेरे सामने रहो, मैं आपको बेटा अपने सामने देखना चाहता हूं, आ जाओ घर। इससे क्या हो गया? इसको तो बहुत तेज बुखार है, मैंने इसको मना भी किया था कि बाहर मत जाओ, ना धूप में खेलो, लेकिन इससे मेरा कहना नहीं माना। अब देखो बुखार तो हो गया, चलो उठो डॉक्टर के पास से चल। वक्त बीतता गया, साल गुजर गए और बाप दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को पालता पोसता और उसका ख्याल रखता, उसे अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा और आखिरकार बेटा बड़ा हो गया और एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लग गया। और तो काफी टाइम हो गया, आज तो काफी टाइम हो गया, ऑफिस का भी टाइम हो गया, शर्ट था जी। बेटा शेरी रेडी हो गए हो क्या? ऑफिस का भी टाइम हो गया। यार यार मैंने घड़ी कहाँ रख दी? बेटा बेटा क्या हुआ? पापा तो साइकिल हो जाए। बेटा क्या हुआ? आगे देखो क्या ना। बेटा मैं जा रहा हूँ ऑफिस, प्लीज। मेरे ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, आप देखो जो करना है, मैं नहीं देख सकता।
शहरी मुझे बहुत देर बुखार है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। चलिए कोई बात नहीं, मैं लेके चलती हूं। मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरी बहुत तबीयत खराब है। पापा प्लीज ये लड़की मेरे सामने ना आती। शहरी ऐसा ना करो। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको लेके जाती हूं। वो काम की वजह से परेशान है, आप परेशान हो, मैं लेके जाती हूं। ये तो हर वक्त परेशान ही रहता है, इसको छुट्टी को काम को ये काम नहीं करता। मेरा क्या हो रहा है, इसको पता नहीं क्या जो बुरे माँ बाप का सही तौर से ख्याल ना रख सके, ऐसी औलाद का क्या ठीक करवा दो। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है, ना बात करा जाता है मुझसे, ना देखा जाता है। इस शहरी से कोच को ठीक करवा। चलिए अभी शहरी आता है, मैं उसको बोलती हूँ, परेशान हो भी आ जाता है वो, तो मैं करवा के देती हूँ आपको। उसको बोलती हूँ बेटा ये मेरी ऐनक टूट गई है, इसको ठीक करवा दो। अरे पापा इस उम्र में आप देखे करेंगे क्या, आपकी रोज मेरी फरमाइशें होती हैं, मैं बिना से इतनी डिमांडें पूरी करूं। बेटा मेरी ये डिमांड नहीं है, ये मेरी ऐनक है, इसको मैं लगाना होता है, देखना होता है, सही तौर से नजर नहीं आता। पापा अभी मैं नहीं कर सकता, मेरे ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, आपकी रोज मेरी फरमाइशें होती हैं। क्या इसने इस उम्र में भी मेरा ख्याल नहीं रखना तो कब रखना? उस पे काम का बर्डन है, उस वजह से परेशान है, कोई बात नहीं। कोई काम का बर्डन नहीं है, माँ बाप के लिए कोई काम का बर्डन नहीं है। माँ बाप है, तेरे भाई ने 20,000 के शूज ले लिए, तेरा भाई अमीर हो गया। हाँ इसको बाप का ख्याल नहीं।
हमारा हर फ्राइडे यही सीन होता है। तुम जानते हो ना, तुम मेरे खास एम्प्लॉई हो। बस आज खास ही मुझे जाने दे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठो। बस आज ऐसा नहीं होगा। ठीक है जाओ, और नेक्स्ट ऐसा ना। थैंक यू बॉस। ये हर फ्राइडे जाता था, चलो इसका पीछा करते हैं। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत भी बस ऐसी रहती है। मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं टाइम पर? जब मुझे मेडिसिन मिल जाती है खा लेता हूँ, या जब कभी मुझे कोई खिला देता है तो खा। आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ। अच्छा बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ओके फिर मैं ये फ्राइडे आऊँगा, मुझे जाने में जरा काम है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बहुत ख्याल रखता है मेरा, हर फ्राइडे को आता और मुझे कभी कुछ लाने के लिए, खाने के लिए देता, कभी कुछ चीज लेकर। बहुत ख्याल करता है। जी बॉस, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम मेरे पापा से कब से मिल रही हो? बॉस एक दिन मैं आपके घर आया था, फाइल में आपकी सिग्नेचर चाहिए। तब मैंने सुना था कि आप अपने फादर को ओल्ड हाउस भेजते हैं, और आपके फादर की आंखों में मैंने बहुत बेबसी देखी है, और तब से मैं उनसे मिलता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि माँ बाप का ना होना कितनी बड़ी बदकिस्मती है। शुरू से मैं ऑर्फन एज में पला हुआ और मैं उनका ना होना समझ सकता हूँ, और आपके फादर ने आपके लिए बहुत स्ट्रगल किया, आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है। अगर शायद मेरे फादर होते तो मैं भी आपकी तरह को अच्छे मुकाम पर। सुमीर, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे इस बात का एहसास है। मैं जानता हूँ कि जब मैं छोटा था और जब बीमार होता था तो पापा मुझे हॉस्पिटल ले जाते थे। मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश उन्होंने पूरी किया, और मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। सुमीर जी बॉस, क्या पापा मुझे माफ़ कर देंगे? जी बॉस, पापा का दिल बहुत बड़ा, माफ़ कर देंगे। चलो सुमीर, पापा को वापस लेने चलो। चले बॉस। पापा आपके साथ। आज तो मैं आप नहीं हूँ, तो हमारी फैमिली हो।
आपके लिए मैं कुछ लिखा नहीं था, पर आज मैं कुछ लेने बात के लिए बोल रहा हूँ। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाप है तो हमेशा घर में राज है। बाप से ही माँ भी चूड़ी बिंदी और लाज है। बाप है तो हम बच्चों के सारे सपने हैं। बाप है तो बाजार के सब खिलौने हैं। हैप्पी फादर्स डे। काम रोज है, नौकरी रोज है, बहाने रोज है। जब जब मौका मिले अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताएं, क्योंकि बिना आवाज और बिना अंसू के जो रोता है वो बाप होता है। जो अपने बच्चों की कमजोरियों के क्षेत्रों को अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। ये सच है कि पालती है मां में 9 महीने पेट में, लेकिन जो सारी जिंदगी दिमाग में रोता है वो बाप होता है।